Audio Jungle. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बजरंग दल की कार्यकर्ता द्वारा सड़क पर आवारा हालत में घूम रहे पशु को नुमाइश ग्राउंड स्थित गौशाला में छोड़ने के दौरान नगरपालिका ईओ ने गौशाला में पशु छोड़ने के लिए साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस क्रम में आज बजरंग दल के सह संयोजक आदित्य चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में बजरंग दल की कार्यकर्ता नगरपालिका चौराहे पर इकट्ठे हुए और ईओ नगरपालिका बिजनौर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। बजरंग दल की कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा संचालित गौशालाओं में आवारा पशुओं को छोड़ने का कार्य करने वालों पर बिजनौर नगरपालिका ईओ नाराज हो जाते हैं, जबकि यह सभी गौशालाएं सरकारी हैं जिनमें आवारा पशुओं को छोड़कर उनकी देखरेख की जाती है। फिलहाल सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका ईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। आदित्य चौधरी, बजरंग दल जिला सह संयोजक। चौधरी जी, आज जो यहाँ पर नगरपालिका के सामने जाम लगाया, आपने क्या पूरा मामला है? मैं एक गोवंश को, डेढ़ माह का गोवंश था, हमने बिहार कॉलोनी से कुत्तों के बीच से छुड़ा करके लाया था, उसे कुत्ते चिपट रहे थे। जब मैं नगरपालिका की गौशाला में नुमाइश ग्राउंड में गया तो वहाँ के कर्मचारियों ने पहले मुझे मना करा कि हम इस गोवंश को यहाँ अंदर नहीं लेंगे, हमें ईओ साहब ने मना किया है, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। उसके बाद जब वहाँ पर ईओ साहब आए, ईओ साहब से मैंने कहा कि ये डेढ़ महीने का गोवंश है, आप इसे बंधवाइए, हम नहीं बांधेंगे, मेरे साथ गाली गलौज करने के साथ में। उसके बाद कहा यहाँ से बाहर निकलिए, और बदतमीजी करी मेरे साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में मारपीट करी मेरे साथ। उसके बाद धक्के देके मुझे बाहर निकाल दिया गया। ईओ नगर पालिका मनोज कुमार जी, और हम ये चाहते हैं तुरंत सस्पेंड हो और यह आकर के हमारे से माफी मांगे, बात करें हमसे। अभी वो आए नहीं, जो नगर के अंदर गोवंश घूम रहा है सड़क पर, उसे हम इसी तरीके से गौशाला के अंदर पहुंचाएंगे, और कोई हमें नहीं रोकेगा। जब तक गौशाला की क्षमता है वहीं पहुंचेगा गोवंश, सड़क पर कोई भी गोवंश नहीं रहेगा। अभी यो बिजनौर का क्या कहना है इसमें? यहाँ तक यहाँ अभी आए नहीं, दो घंटे से हमारे कार्यकर्ता सब लोग अधिकारी हमारे यहाँ बैठे हैं। कहाँ है ईओ साहब? एसी में बैठे हैं अंदर। यहाँ हमारे अधिकारी, हमारे विभाग मंत्री, जिला मंत्री जी सब लोग यहाँ बैठे हैं। ये पागल है क्या? हम लोग दो घंटे से यहाँ धूप में बैठे हैं।